ये यखनी है, इसका धुआं इतना उठ रहा है कि यार मेरे अपने शीशे के ऐनक जो है ना वो भी धुंधला गए। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे हमारे पास ये हॉट एंड सावर सूप है। ये फिंगर चिकन चेक करें, फिंगर चिकन देखने में अभी बाहर बन रहा था, मैं देख के आया हूँ। और साथ में ये ढाका चिकन, छोटे छोटे से चिकन की पीसेज हैं, ये देखें ढाका चिकन। आगे चलते हैं, ये पेने पास्ता है, ये जी अल्फ्रेडो पास्ता, पेने पास्ता, ये चेक करें करीब से। थोड़ा साथ में ये अल्फ्रेडो पास्ता, यार ये चेक करें कितना मज़ेदार लग रहा है अल्फ्रेडो पास्ता। ये रहा जी चिकन चाउमिन, और उसके साथ ये सेसमी चिकन। ओहो हो, लाइट ऑन हो गई है ना तो अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये सेसमी चिकन मज़ेदार किस्म का, ये एग फ्राइड राइस, ये देख रहे हैं धुएँ उठ रहे हैं, अभी अभी ताज़ा बन के आया है एग फ्राइड राइस, और उसके साथ स्वीट एंड सावर चिकन। तो मैं आपको एक एक चीज़ उठा के दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को देख के मज़ा आए और फिर आप लोगों का दिल करे यहाँ आने को। देख रहे हैं है ना मज़ेदार सीन। तो आ जाए आगे, आ जाए आगे, आ जाए जल्दी जल्दी आगे आए। ये देखें हनी ग्लेज्ड विंग्स हैं, देख रहे हैं हनी ग्लेज्ड विंग्स, और उसके साथ ये है खूबसूरत किस्म का काबली पुलाव। ये देखें ये बीफ की बोटियाँ डली हुई हैं और ये काबली पुलाव, खूबसूरत है ना मज़े का। ये कीमा आ गया, साथ में रोटी है, तो तवे कीमे के साथ जो फ्रेश सादा रोटी करारी करारी खाने का मज़ा आएगा ना, वो तो कहता हूँ तो कमाल हो जाएगा। ये हो गई जी चिकन कढ़ाई, ये देखें खूबसूरत किस्म की चिकन कढ़ाई, और उसके साथ मैं ये वाला चमचा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आगे मेरी फेवरेट चीज़ है जो कि है वाइट कढ़ाई। ये चेक करें है ना मज़ेदार सीन, वाइट कढ़ाई। उसके आगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जी खूबसूरत किस्म के नान, ये देखें ये नान मिलेंगे आपको इस तरह के। ठीक है जी आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, पालक है। ये जी पालक पनीर है, ये पालक आ गई, और इसके साथ जो है ना हमारे पास ये क्या है जी हलीम, इसके साथ हमारे पास है हलीम, मज़ेदार साथ में जो है इसके लवाजमात भी रखे हुए हैं। और ये क्या है जी चिकन है, ये जी चिकन की डिशेज है, और साथ में कबाब मसाला है। ये देखें मैं आपको ये करीब से उठा कर दिखाता हूँ, ये देखें खूबसूरत धुएँ निकल रहे हैं कबाब मसाला। आगे चलते हैं, अभी भी बफे ख़त्म नहीं हुआ। ये जी भटूरे और साथ में चने हैं, भटूरे और साथ में चने। और ये यार जलेबी चेक करें, जलेबी कितनी मज़े की है, साथ में हलवा, ऊपर से जो है ना इसमें बादाम डले हुए हैं और साथ में मुरब्बे भी डले हुए हैं। और ये खूबसूरत किस्म का मुतंजन देखने में यार इतना मज़े का है, ऊपर से ये गुलाब जामुन डली हुई है, ये चेक करें। और गुलाब जामुन जो है ना आपको तो पता है मुझे कितनी पसंद है, तो इसीलिए साथ चेक करें इतनी खूबसूरत किस्म की ये गुलाब जामुन, ये देखें ये हा मेरी फेवरेट शीरे वाली गुलाब जामुन। ये चेक करें जी वैरायटी ऑफ सैलड है, सैलड तो काफ़ी सारी हैं, ये देख रहे हैं टेबल पूरा भरा हुआ है इन्होंने सैलड्स के साथ, ये असॉर्टेड सैलड, ये असॉर्टेड सैलड, साथ में ये मेरे फेवरेट सैंडविचेस भी चिकन सैंडविचेस हैं। उसके साथ ये पेस्ट्रीज, डिज़र्ट का सेक्शन और साथ में सैलड का सेक्शन था। हुम्मस यार मुझे कितना पसंद है, आप लोगों को तो पता है हुम्मस, और साथ में ये पीटा ब्रेड, उसके साथ ये एग पुडिंग, और उसके साथ यहाँ पे ये मूज है, और ये फ्रूट ट्राइफल, ओहो हो खूबसूरत, और साथ में शीर खोरमा, उसके साथ ये खीर है, उसके साथ ये बादामी खीर, बीच में जैली, और ऊपर इन्होंने सेसमी डाली, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है जी सेसमी डाली जैली, और साथ में ये फ्रूट कॉकटेल कह लें, और ये भी वही है। ये क्या है जी, अच्छा ये शीर कोरमा शाही टुकड़े जो है, शाही टुकड़े, और साथ में ये पेस्ट्री। ये रहा जी खूबसूरत किस्म का गोल गप्पे का सेक्शन, देख रहे हैं दही भल्ले भी हैं साथ में गोल गप्पे भी हैं, ये चेक करें, ये है जी गोल गप्पा। मुझे दिल कर रहा है कि एक गोल गप्पा उठा लूँ, और मैंने ये उठा लिया है, ओहो करारा करारा गोल गप्पा है। तो अब मैं इसको भरता हूँ और फिर आपको खा के दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ना हल्का सा भर दें इसको बस, और साथ में ना ये लें जी थोड़ा सा इसके अंदर दही डालें, थोड़ी सी ये इसके अंदर ना चटनी डालें, एप्रिकॉट की चटनी डालें। गोल गप्पे खट्टे पानी के बगैर तो नहीं बन सकते ना, यूँ करके गोल गप्पे को डुबोएं, लीक है थोड़ा सा, वाओ
मज़ा आ गया। वो पहला बफे है जो मैंने गोल गप्पे से स्टार्ट किया। तो भी बाकी वाला फूड ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि फूड का टेस्ट कैसा है। इसके अलावा यहाँ पे अपनी बात को बारबेक्यू दिखाई नहीं दिया, बारबेक्यू लाइव सेक्शन से ना बारबेक्यू बन के टेबल पे सर्व होगा। डिज़र्ट का एक प्रॉपर सेक्शन है और उसके अलावा मैंगो और चॉकलेट आइसक्रीम भी है, तो जितना आपका दिल करे आप वो खा सकते हैं। ये चेक करें सीन, ये पूरा हॉल है जिसके अंदर आप बैठ के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना बफे अपना इंजॉय करना है। मिंट मार्गरिटा पूरी बार यहाँ पे बनी हुई है और आपको ये रहा जी वेलकम ड्रिंक मिंट मार्गरिटा। सबसे पहले मैंने आपको दिखा तो दिया था लेकिन ये है मिंट मार्गरिटा जो कि वेलकम ड्रिंक है। तो साथ में मैं क्या लेके आया हूँ, मैं यार यहाँ पे देखें तो मैं पाकिस्तानी लेके आया हूँ। इसमें भटूरे हैं, चने हैं, कढ़ाई है, तवा कीमा है, साथ में काबली पुलाव भी आ गया और उसके साथ यहाँ पे वाइट चिकन मुझे बहुत पसंद है, मसाला कबाब, कबाब मसाला, उसके साथ चिकन स्ट्रिप्स हैं, उसके साथ यार ये पालक है, उसके साथ चिकन हलीम है, उसके साथ ये सेसमी चिकन है, विंग्स हैं। ये ज़बरदस्त, मैंने बहुत ही आला प्लेट बनाई है, मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें चाइनीज़ है, पास्ता है, साथ में चिकन स्ट्रिप्स हैं और उसके साथ जो है मैंने दो दो तरह का पास्ता भी डाल लिया और सेसमी चिकन भी है और ये साथ में चिकन मंचूरियन भी है। और उसके अलावा ये आपको ना टेबल पे दो सर्व होंगे, अगर आप दो लोग हैं तो आपको दो सर्व होंगे, अगर आप एक बंदा है तो आपको एक ही सर्व होगा। इसके अंदर फ़िश भी है, ये देखें ये फ़िश है इसके अंदर, और इसके अंदर डिफरेंट तरह के ना टिक्का बोटी, मलाई बोटी, हरा कबाब और डिफरेंट तरह के मलाई बारबेक्यू की वैरायटी है। तो बस अब स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक एक चीज़ का टेस्ट कैसा है। यार सीन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, खचाखच भरा हुआ है, लोग आए हुए हैं तो आप भी आ सकते हैं। लोकेशन तो मैंने आपको बता दी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे पहले मुझे यार देखने में ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, हरा कबाब देख रहे हैं, हरा कबाब है। ओहो हो, ओहो हो हो, गर्मा गर्म इस वक्त भी है जो अंगीठी पे इन्होंने रखा हुआ है इसको, ये गर्मा गर्म है, धुएँ इसमें से निकल रहे हैं। ओहो हो, पकड़ने में नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टू गुड, मज़ा आ गया, बहुत ही आला बना हुआ है। अच्छा यार सीन ये है कि ना बारबी को थोड़ा सा ना मैं निकाल के यहाँ पे प्लेटों में रख लेता हूँ क्योंकि इतना गर्म हो चुका है कि वो ना पकड़ने में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से ना ये जो मैं भटूरा लेके आया ना, भटूरा शाम का वक्त है तो भटूरे के साथ खाते हैं, मज़ा आएगा। भटूरे के साथ ना ये चने, आलू की भुजिया और साथ में चने हैं, ये लगाते हैं और फिर ये ऐसा खूबसूरत निवाला बनाते हैं और फिर इसको खाते हैं। मज़े का है, चने ना बिल्कुल ही नॉन स्पाइसी हैं। मैंने कहा सोचा थोड़ा सा स्पाइसी तो होगा लेकिन बिल्कुल ही नॉन स्पाइसी है। अच्छा अब यहाँ से ना बीफ काबली पुलाव है, ये देखें वो लास्ट में, ओहो मज़ेदार काबली पुलाव, वाकई मज़े का है। अच्छा उसके साथ ना ये चिकन कढ़ाई है, मैं यार नान लाना भूल गया हूँ तो आज सारा कुछ जो है ना चमचे से ही चलेगा। तो ये काबली पुलाव के साथ मिक्स करके ना चिकन कढ़ाई और साथ में ये जो तवा कीमा है ना इसको भी थोड़ा सा ऊपर डाल लेते हैं। ओह कढ़ाई बहुत ही मज़े की है, मुझे तो बहुत मज़े की लगी। ये टेस्ट करते हैं, देख रहे हैं सेसमी विंग्स, ओहो खूबसूरत। ये विंग को खोलें यूं करके, इसमें से एक हड्डी निकालें यूं करके, आज विंग मेरे से सही इतना खुला नहीं है, ये निकालें, दूसरी भी निकालें, और ये विंग निकल आया। अब इसको टेस्ट करते हैं, भाई वाह, प्रॉपर ग्लेस हुआ हुआ है उस पर, ऊपर से इन्होंने हनी डाला हुआ है, बहुत ही मज़े का सीन है। ये जी जो बारबेक्यू प्लेटर है उसके अंदर से ये मलाई बोटी निकली है, थोड़ी सी हरी मलाई बोटी लग रही है मुझे, ये इस तरह की,
बारबेक्यू तो ना अखीर है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये देख रहे हैं धुएँ उठ रहे हैं ग्रिल फिश में से, गर्मा गर्म। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है इसको खाते हुए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से, बल्कि ना ये जो चिकन स्ट्रिप्स है ना, ये देखें, बल्कि ये ढाका चिकन मेरा ख्याल इसको कह रहे हैं, ये ट्राई करते हैं। भाई सुभान अल्लाह, ढाका चिकन बहुत ही आला है, इसलिए सबसे ज़्यादा पहले रिफिल भी यही हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा ना वाइट चिकन तोड़ते हैं, इसको ना मैंने आपको बताया ना नान में लेके नहीं आया, भूल गया, तो इसको ऐसे ही ट्रेस करते हैं। हल्का सा ना मुझे लगता है कि चू करना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन टेस्ट ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। ये मसाला कबाब, मसाला कबाब को यहाँ से लेते हैं, है ना मज़ेदार देखने में। यहाँ बारबेक्यू है इनका, बड़ा ही फिट है, मसाला कबाब बहुत अच्छे हैं। ये मैं फिर फिश को ट्राई करने लगा हूँ, हिम्मत पकड़ी मैंने थोड़ी सी। यह फिश बहुत ही आला है, ये जैसे ब्रेड क्रम्स लगी हुई फिश होती है ना, ये वैसी नहीं है, इस पर इन्होंने थोड़े से मसाले भी लगाए हुए हैं, तो मुझे तो बहुत मज़े की लगी है, डिफरेंट है, हल्की सी स्पाइसी भी है। ये चाइनीज़ यहाँ से, ओहो हो, चाइनीज़ मज़े का। साथ में इनका पास्ता, ये अल्फ्रेडो पास्ता, ये देखें है ना मज़े का सीन। भाई वाह, पास्ता बहुत ही आला है, और जब मैं गया था ना लेने के लिए उस वक्त ये ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने इंतज़ार किया, इसीलिए इंतज़ार किया कि यार ये बहुत आला सीन है। और ये जो इनका दूसरा पास्ता है, पेने पास्ता, यह मुझे तो वाइट सॉस वाला ज़्यादा पसंद आया, जो सीधी बात है। साथ में ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं फ्राइड सेक्शन में। सही क्रिस्पी है, मज़ेदार है। तो जी फूड मैंने सारा टेस्ट किया, टेस्ट भी किया, दिखाया भी, तो मुझे तो फूड तकरीबन सारे पसंद आया। मैंने हलीम और पालक टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखने में तो वो भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन अभी मेरा रहता है डिज़र्ट, तो वो डिज़र्ट मैं अकेला खाऊंगा, आप लोगों को नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन मुझे आज इनका फूड खा के बहुत ही मज़ा आया। और प्राइस इनकी है, इनकी प्राइस क्या थी भाई, इनकी प्राइस है जी सिर्फ 1980 प्लस टैक्स। तो इतना मज़ेदार किस्म का, जहाँ पे आपको तकरीबन 30 के करीब असल खाने की डिशेज़ मिल रही हैं, तो ये बफे ज़रूर आप लोगों को करना चाहिए। लोकेशन द रॉयल बिस्ट्रो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी लोकेशन, उसको फॉलो करें, यहाँ आएँ। और ये लेक सिटी के पास ही है, बहरे टाउन के अपोजिट है, तो आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिजॉर्ट है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आएँ, और फिर जो है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, कुछ गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, और एम्बियंस है ही मज़े की, आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे कितना बड़ा हॉल है। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।